स्टूडेंट्स इसका देखिए एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर कैलकुलेट द कैपेसिटी इन माइक्रो फैरड। यानी इसका कहने का मींस क्या है, अर्थ को हम क्या मान लें, स्फेरिकल कंडक्टर मान लें, है ना, क्या मान लें, स्फेरिकल कंडक्टर मान लें, जिसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है 6400 किलोमीटर गिवन है इसका रेडियस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कैपेसिटी निकालनी है माइक्रो फैरड में। इसको सॉल्व करने के लिए जो स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रही है, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है इसके लिए हमें फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मींस इसकी जो वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻⁹, यूज करते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। पहले आप यूज करते थे किस तरीके से, 1/4 πε₀ = 9 × 10⁹ यूनिट यूज करते थे, है ना। अब आप इसको रिवर्स कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ = 4 πε₀। इस तरीके से इसकी 4 πε₀ की वैल्यू ये कंफर्म हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर यूज करेंगे, अब ये रेडियस की भी बात करें तो रेडियस इसमें देखिए r = रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना, रेडियस 6400 किलोमीटर। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एमके सिस्टम यूज करते हैं, किलोमीटर को आप मीटर में यूज करेंगे, 6400 × 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ मीटर यूज करेंगे, ठीक है, 10⁻³ यूज करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 64 × 10�³ इसकी है 2 पावर, यहाँ से ले लीजिए 1 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 5, है ना, 64 × 10⁵ मीटर। आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, C = 1/9 × 10⁹ × R एट द प्लेस ऑफ R, दिस इज 64 × 10⁵ मीटर। अब आप देखिए इसको बस सॉल्व करना है, C = 64/9 × 10⁵, ये 5 और ये इसको 9 डिवाइड में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, है ना, 5 से माइनस कितना हो जाएगा -4, इसका आप डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 9 7 = 63 एंड 1 बचेगा तो 0.1, है ना, तो 1 का मतलब 9 बन जाए 9, फिर से भी वही आएगा, तो 7.9 × 10⁻⁴ माइक्रो फैरड, इसको यहाँ से निकाला माइक्रो फैरड, ठीक है, तो ये आपका फैरड है, क्या है ये, ओनली फैरड, ये आपका फैरड में आएगा। अब आपको माइक्रो फैरड में चेंज करना है, तो माइक्रो फैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ यूज करना पड़ता है ना, तो 7 पॉइंट ये जो डिवाइड किया हुआ था आपने 7.9 7 = 63, तो यहाँ 1 बचा, है ना, तो 9 बन जाए 9, फिर से 1 आएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, कहने का मीन्स ये होगा 7.111, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, तो 7.11। अब आप यहाँ पर 10⁻⁶ करना है तो आप 2 डिजिट ले लीजिए इस साइड, ये पॉइंट इस जगह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 7.111 10⁻⁶ फैरड। अब आप देखिए ये जो 10⁻⁶ है और फैरड है, ये माइक्रो में यूज हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 7
11.11 माइक्रो फैरड, ठीक है, या फिर अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं ओनली 711 माइक्रो फैरड, दैट सॉल्व।